भगवान साथियों नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा एक बार फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज इंद्रदेव प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने अपनी कृपा थोड़ी सी कम करी हम पर। और आज मौसम बहुत ही बढ़िया साफ है। आज हमारे बगीचे में एक बार फिर से स्प्रे का टाइम आया है। आज मॉर्निंग से ही लीव्स गिली थी तो सूखने देने के लिए काफ़ी देर होगी, हमें डिले हो गया हम स्प्रे के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई पिछली जो स्प्रे हमने करी थी लगभग 10 मई को, तो 10 मई को हमने अपने रोको प्लस इंडोफिल प्लस आपके अमेज एक्सेल प्लस 12527 और मैकफॉस ये कॉम्बिनेशन डाला था। तब से लेकर अभी तक सिर्फ बीच में हमारी एचएमओ की स्प्रे हुई है, जैसे कि आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से पता ही है। तो जो उसके रिजल्ट्स थे, कोई ऐसी साइड इफेक्ट मुझे नहीं दिखे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करा था कि ये रिएक्ट तो नहीं करेगी, तो ऐसा ही कोई रिएक्शन दिखी नहीं मुझे। जबकि पियर में भी कोई रिएक्शन नहीं है, एप्पल में भी कोई रिएक्शन नहीं है, और तक भी कई फ्रूट्स आ चुके हैं हमारे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि आजकल वुली एप्पल एफिड अपने उस पर चल पड़ा है फ्लो में और वो आना शुरू हो गया है बगीचों में। तो वुली एप्पल एफिड का आप मॉनिटरिंग करें और एटलीस्ट स्पॉट स्प्रे के साथ चले। स्पॉट स्प्रे जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो कंट्रोल नहीं होगा। जहाँ दिख रहा है अगर आप इंसेक्टिसाइड ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिट्ठू मशीन में उसको मिक्स करके जो भी आपको थायोमेथोक्सोम आप कर सकते हैं, क्लोरोफॉरिफॉस आप कर सकते हैं, रोगर आप कर सकते हैं, मेलाथियोन आप कर सकते हैं, सकिंग पेस्ट को मान्य किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज़ करते हैं, पूरे बगीचों में नहीं डालना है तो स्पॉट स्प्रे से जहाँ जहाँ दिख रहा है। अगर मैं अपने बगीचे की बात करूँ, खासतौर पर जो ग्राफ्टिंग पॉइंट्स है हमारे, वहाँ पर वुली एफिड दिखने लग गया है, और जो गाला के प्लांट है खासतौर पर उसमें, तो आपको स्पॉट स्प्रे करनी है। मेरी 2-1 दिन में शुरू हो जाएगी स्पॉट स्प्रे और मैं उसको कंट्रोल करूँगा, और हफ्ते के बाद फिर से विजिट कराऊँगा लेबर से, उसको स्प्रे करूँगा। हर हफ्ते में मैं घुमाता रहूँगा और बहुत ही इजली मैनेज हो जाता है ये। अदरवाइज अगर बहुत आ गया तो आपको पूरे बगीचे में स्प्रे करनी पड़ेगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आजकल सिर्फ स्कैब से अपने बगीचों को बचाएं, क्योंकि स्कैब के जो मुझे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं या जो मुझे जानकारी आ रही है, ऑलमोस्ट हर एरियाज में स्प्रेड हो चुका है। इसीलिए इसकी मॉनिटरिंग करें। आपकी जानकारी मैं बताना चाहूँगा, जब चार साल पहले मेरे बगीचे में आए, क्योंकि मेरे लिए तो न्यू थी, आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा, तो मेरे जो फर्स्ट लॉट था 270 बॉक्स का, उसमें न्यू वैराइटीज़ में लगभग 70 पेटियाँ मेरी ऐसी थी जो स्कैब से ग्रसित थी। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है स्कैब आपके लिए। और उस वर्ष मैंने लगभग 14 से 15 स्प्रे कर दी थी फंगिसाइड्स की, फिर भी वो कंट्रोल नहीं हुआ। जब वो आ जाता है उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आप स्प्रे करते हैं वो प्रॉपर तरीके से करें, कहीं सूखा ना रहे, अच्छे तरीके से करें और टाइमली स्प्रे करें। और आजकल का जो ये समय चलेगा भाई ह्यूमिडिटी का, तो वहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है अपने बगीचों में। चाहे आपकी फसल नहीं भी है तो आपको फंगिसाइड्स तो करते ही रहना पड़ेगा 20-20 दिन के गैप पे। 1-2 स्प्रे तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस साल का नहीं अगले साल का भी देखना है। तो बागवान साथियों, ये वो जानकारियाँ थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था।